लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अपने पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही है, उसको देखते हुए अन्य पार्टियों के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बीजेपी के पूर्व बहुमत को लेकर एमकेएन न्यूज संवाददाता ने पूर्व विधायक कलीचरण सोनकर से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार समाजवादी पार्टी को छोड़कर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कालीचरण सोनकर जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं। सर, जिस तरह से समाजवादी को छोड़कर लगातार भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? पीडीए के साथी सब धीरे धीरे रहे टूटते चले जा रहे हैं। सलीम शेरवानी जी जो चार बार बदायूं से सांसद रहे, वह भी छोड़ दिए। स्वामी साहब मौर्य भी चले गए, और भी तमाम लीडर्स है मतलब कि छोड़ते जा रहे हैं। पल्लवी पटेल भी जो सिराथू से विधायक हैं वर्तमान में, वह भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश के खिलाफ हैं पूरी तरह से। तो इस तरह पीडीए का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। तो ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी को मैनपुरी सीट तक पे मतलब कि अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, और स्थिति बहुत इनकी खराब होने जा रही है आगामी लोकसभा में। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिलकर कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कांग्रेस और सपा के गठबंधन से इनमें इनको सीटों में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। और इन्होंने बसपा से गठबंधन किया था 2019 में, तब 5 सीट जीत पाए थे, और इस बार इनको 2 सीट भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। और इस गठबंधन से कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं जाने वाला है, और वोटों में बहुत कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में 60% वोट बीजेपी के साथ में है उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे कालीचरण सोनकर, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, जिसमें कि लगातार जिस तरह समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव जो करीब आ गया है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।